गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन आर द थॉट्स, डिटर्निज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्निज्म. इन मॉडर्न टाइम आर द थ्री थॉट्स, डिटर्निज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्निज्म. दिस थॉट के आर डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म गिवन बाय द रेड जेल. द फादर ऑफ द डिटर्मिनिज्म इज रेड जेल. दिस कॉन्सेप्ट शोस द नेचर इज स्ट्रॉन्ग, nature is strong and human is weak. This thought is false. Nature is strong and human is weak. Okay, in this concept considered that here the आदिम जो अवस्था है, स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमन, आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन, क्या कर रहा था ह्यूमन, टोटली डिपेंड ऑन द नेचर. हेयर एनी इवेंट लाइक हेयर द एनी नेचुरल डिजास्टर, ऑल दी नेचुरल डिजास्टर बियर बाय द ह्यूमन, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, जो भी डिजास्टर है ह्यूमन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और कर क्या पा रहा है, ह्यूमन वर्शिप द मदर एज ए वर्शिप द नेचर एज ए मदर. जो नेचर है उसको मदर मानकर उसको क्या कर रहा है, वर्शिप कर रहा है. ऑल दीज आर हियर दे कंसिडर्ड, जो भी नेचर जो कर रहा है, एनवायरनमेंट जो कर रहा है, ऑल दीज आर कंसिडर्ड बाय द ह्यूमन. दिस थ्योरी या दिस थॉट इज नोन एज डिटर्मिनिज्म और दिस थॉट इज गिवन बाय द रेड जेल. द फादर ऑफ द डिटर्मिनिज्म इज रेड जेल. क्लियर, द लाइन ऑफ थॉट विच असेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ नेचुरल फोर्सेस. डिटर्मिनिज्म में हो क्या रहा है, हेयर द असेप्ट, व्हाट असेप्ट, हेयर द सुप्रीमेसी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, हेयर द नेचुरल फोर्सेज, ऑल दीज आर हेयर द डिपेंड ऑन द नेचर इन कंपेरिजन टू ह्यूमन फोर्सेज. ह्यूमन फोर्सेज आर वीक, हेयर द नेचर इज सुप्रीम. क्लियर, विच रिगार्ड्स द ह्यूमन एज द स्लेव ऑफ द नेचर. और बिहेव कैसे कर रहा है, ह्यूमन इज द स्लेव ऑफ द नेचर. नेचर जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज करती है, ह्यूमन को क्या करना पड़ेगा, हियर द ह्यूमन हैव टू हियर द एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स डन बाय द नेचर. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिटर्मिनिज्म. क्लियर, सेकेंड हियर द पॉसिबिलिज्म. पॉसिबिलिज्म वर्ड गिवन बाय लुसियन फेब्रे. Lucien Febvre की बात करेंगे, जो फ्रांसिस विद्वान है, ये पॉसिबिलिज्म वर्ड गिवन बाय लुसियन फेब्रे. एंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस थॉट इज गिवन बाय विडाल्डी लाब्लास. क्लियर, दिस थॉट is given by the Vidal de Lablas. Yeah, the father of possibility is Vidal de Lablas and the word possibility is given by the Lucien Febvre. Both scholars are Francis scholar. Febvre ne kya kiya, word diya the possibility. Possibility word kisne diya, Febvre. And this concept is given by the Vidal de Lablas. So Paul Vidal de Lablas is the father of possibility. Clear. इन दिस थॉट, इस थॉट में क्या हो रहा है, हेयर द नेचर, ह्यूमन इज स्ट्रॉन्ग देन नेचर. इसमें क्या हुआ, ह्यूमन इज स्ट्रॉन्ग देन नेचर. ह्यूमन क्या कर रहा है, द लाइन ऑफ थॉट ऑफ यूज ऑफ पॉसिबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द नेचर. इन दिस थॉट ह्यूमन यूज द पॉसिबिलिटी, यूज द ऑल द पॉसिबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द नेचर. इन दिस लाइन या इन दिस थॉट ह्यूमन यूज द ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड बाय द नेचर. लाइक हियर फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन थिंक पॉसिबिलिटीज देखता है, लाइक हियर द देन हियर द फ्लड, सन रेज इज हाई. अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, हाउस बना रहा है. ह्यूमन क्या प्रोटेक्ट, ह्यूमन क्या देखता है ना कि द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, वो सोचता है क्यों ना मैं भी स्काई में कहीं ना कहीं मैं भी उड़ूं. तो ऐसे जब पॉसिबिलिटीज देखता है तो क्या कर रहा है, आज एरोप्लेन बनाया ना, ऑल दीज हियर द ह्यूमन. और ह्यूमन क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटीज देख रहा है. और जो पॉसिबिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाय द नेचर. और जैसे पॉसिबिलिटी देखता है, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है और फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ह्यूमन जो नेचर जो भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रही, जो भी बाधाएं लगा रही, उन सबको क्या कर रहा है, हियर द ह्यूमन क्लियर दीज ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस. एंड अकॉर्डिंग दिस थॉट ह्यूमन इज स्ट्रॉन्ग देन नेचर. क्लियर,
थर्ड हियर द नियो डिटरमिन, नियो डिटरमिन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉप एंड गो डिटरमिन। दिस थ्योरी इज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर, दिस थ्योरी इज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर, नियो डिटरमिन इज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉप एंड गो डिटरमिन, स्टॉप एंड गो डिटरमिन। हियर इन दिस कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट शोज दैट नाइदर हुमन इज स्ट्रॉन्ग नॉर नेचर इज स्ट्रॉन्ग। हियर द हुमन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड नेचर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। हुमन वर्क विथ हेल्पिंग ऑफ नेचर, हुमन वर्क विथ हेल्पिंग ऑफ नेचर। इन दिस कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट से हियर द नेचर इज स्ट्रॉन्ग, इन दिस कॉन्सेप्ट हुमन इज स्ट्रॉन्ग, बट इन दिस कॉन्सेप्ट हियर द नो, हियर हुमन इज स्ट्रॉन्ग, नो हियर द नेचर इज स्ट्रॉन्ग, बट हो क्या रहा है इसमें, हुमन वर्क विथ हेल्पिंग ऑफ द नेचर। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय द ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ऑल्सो यूज द ट्रैफिक रूल्स इन दिस कॉन्सेप्ट। ट्रैफिक रूल्स कैसे, स्टॉप जैसे ग्रीन सिग्नल होता है, बात करें रेड सिग्नल, देन हियर द रेड सिग्नल, रेड सिग्नल में क्या होता है, ऑल दिस व्हीकल्स आर स्टॉप देयर, ठीक है। तो वैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया तो ह्यूमन की जो भी एक्टिविटी जो कि एट लास्ट क्या हो जाएगी, टोटली आर डिस्ट्रॉयड, टोटली हियर द स्टॉप द ह्यूमन। देन हियर ह्यूमन में भी क्या हो रही है, क्वालिटी हो रही है, टेक्निक डेवलप हो रही है, और वो अपने आप को क्या कर रहा है, वो सारी जो भी रेस्ट्रिक्शन है उनको दूर करके क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे रेड ग्रीन सिग्नल होता है सब ट्रैफिक की व्हीकल्स चल जाती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, तो ह्यूमन की एक्टिविटीज वापस से स्टार्ट हो जाती है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉप एंड गो डिटरमिन, क्लियर। नाउ हियर द सब डिविजन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, मेन हियर द ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इन टू मेन ब्रांचेज, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इन 11th क्लास वी स्टडी अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी ब्रांचेज, हियर वी स्टडी अबाउट द सब ब्रांचेज या सब डिविजन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। हियर द इन 1930 ह्यूमन ज्योग्राफी क्लासिफाइड या डिवाइड इन टू पार्ट्स, कल्चरल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। टू पार्ट हियर द कल्चरल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एंड अनदर हियर द पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। हियर द क्वेश्चन राइट हियर द सब ब्रांचेज ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू 1930, तो फिर क्या करेंगे 1930 में क्या, ओनली टू ब्रांचेज, कल्चरल एंड द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और वैसे 20 वर्ड में क्वेश्चन हो 1 मार्क्स का, राइट द सब डिविजन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, मेंशन हियर द ऑल दीज 5 ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। नाउ इन प्रेजेंट टाइम हियर ह्यूमन ज्योग्राफी हैव द ब्रॉड रीजन एंड ब्रॉड हियर द मैटर, ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर। टुडे या एट प्रेजेंट हियर द ह्यूमन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंस एंड हियर द सब्जेक्ट मैटर आल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हैव ए सेपरेट प्लेस इन द ज्योग्राफी एंड इन वर्ल्ड हियर द ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडाइड इन ब्रॉड लेवल। कंप्लीट दिस लेसन, ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे इस लेसन में, वी स्टडाइड इन दिस लेसन। फर्स्ट हियर द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो डेफिनेशन में क्या दिखा, रेड जेल, एल एन सी सैम्पल, विडाल्डी, लाप्लास एंड डेकेन एम्पिड्स, ऑल दिस डेफिनेशन। हियर द रिलेशनशिप बिटवीन हियर द ह्यूमन एंड नेचर, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज कॉल्ड द ह्यूमन ज्योग्राफी। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हियर द ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज कीपिंग इन द सेंट्रल पॉइंट, दैट इज हियर द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट हियर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, हंटिंग एंड डिवाइड इन टू पार्ट्स, फिजिकल कंडीशन, सेकेंड हियर द ह्यूमन रेस्पॉन्सेज, एंड हियर और अदर हैंड हियर द 6 टॉपिक्स टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। देन हियर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी इन एंसाइन टाइम, मिडेवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम। इन मॉडर्न टाइम हियर द 3 थॉट, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। देन हियर द सब डिविजन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। क्लियर।